जो भी मुझे देख रहे वो लोग सुन ले, मुसलमानों का ये वतन है, मुसलमान इस वतन से मोहब्बत करते हैं और आप लोग हम पे आतंकवादी का निशाना या आतंकवादी किए गए या दंगाई किए कि हम लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। हम यहाँ थे, रहे और हमेशा रहेंगे। मुल्क हमारा था है और रहेगा। जी, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये मुस्लिम महिला क्यों कह रही है कि वो भी इस देश की निवासी है और इस देश की नागरिक है और इस देश के प्रति वफादार है। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज़ क्लिक पर मेरे साथ दोस्तों, एक घटना खरगोन, मध्य प्रदेश खरगोन की है और वहां पर कई मुसलमान महिलाओं ने एक प्रदर्शन किया, एक मार्च निकाला और उन्होंने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर को घेरा और उनकी मांग क्या थी। उनकी मांग ये थी कि खरगोन में पुलिस ने जो है सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साधा है। वो यहां पर दंगाइयों का समर्थन करने के लिए नहीं पहुंची हैं। वो कह रही हैं कि दंगाइयों पर आप निशाना लगाइए, उन्हें जेल भेजिए, मगर बच्चों पर निशाना साधना, 12-13 साल के बच्चों पर निशाना साधना, देर रात घुसकर परेशान करना, ये कहां तक सही है। और सिर्फ खरगोन नहीं दोस्तों, आपको याद होगा कि कर्नाटक के अंदर इस लड़की को जब ये स्कूटर में उतरती है और जा रही होती है अपनी क्लास के सामने तो एक पूरी भीड़ उसके सामने आ जाती है, तब ये उनके जवाब में अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। ये ना भूलें, शाहीन बाग एक आंदोलन था हमारे सामने जहां शांतिपूर्ण तरीके से मुसलमान महिलाएं, बुजुर्ग औरतें, बच्चे वहां बैठे हुए थे और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आज इसी तरह से खरगोन में ये महिलाएं उतर पड़ी हैं जो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इनका मकसद है कि वो व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर आपको कानून के अंतर्गत कार्रवाई करना है तो कीजिए, मगर जुल्म मत कीजिए। वो महिला जिसे मैंने आपको सुनाया था शुरू में, आइए वो क्या कह रही हैं सुनते हैं। हमारी ये मांग थी कि जो हमारे मुसलमान समाज के भाइयों को गिरफ्तार किया गया बिना सबूत के, बिना किसी वीडियो में फुटेज में आए हुए उनके खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई की गई, उसके लिए हमारे जो पुलिस ने अभद्रता की, महिलाओं पे लाठी चलाई, उनके बाल खींचे, उनको घुटनों के बल लेटा के डंडों से मार मार के पूछा गया कि आपके घर वाले कहा, भले ही वो मुजरिम थे या ना थे, किसी ने नहीं पूछा। जब दंगा होता है तो दोनों समाज के लोग प्रताड़ित होते, फिर मुसलमानों को क्यों नहीं दिखाया गया कि जो उनपे जुल्म हुआ। एक तरफा जब दंगा होता क्या मुसलमानों ने पत्थर चला, उधर से क्या फूल बरसे गए थे जिससे वो मुसलमानों पे इल्जाम लगाया गया, हमारी मस्जिदें जली, हमारे घर जले, 25-25 दिन रोजे की हालत में घर से भागते रहे, लेकिन कोई हमसे पूछने नहीं आया, कोई हमारी तरफ देखने नहीं आया। हम भाटवाड़ी मोहल्ले से थे, शाम के 5:30-6 बजे का टाइम था, हम हमारी नमाज और कुरान पढ़ रहे थे, जय श्री राम के हजारों लोगों की तादाद में वो नारे सुनाए गए। जब हमने हमारे घर के बाहर देखा तो हिंदुओं की भीड़ घुस रही थी हमारे घर में, पत्थरबाजी करी। यही नहीं, आपके स्क्रीन पर यह है उज्मा शेख। उज्मा शेख ये कह रही हैं कि हम दंगाइयों के पक्ष में नहीं हैं, मगर रात में अगर पुलिस घुसकर इस तरह से कार्रवाई करती है, बच्चों को निशाने पर लेती है, तो ये ज्यादती है। बच्चे जो मासूम 12-13 साल के, उनको रातों से घरों से उठाया जा रहा है, उनको जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ में उनको इतना मारा जा रहा है कि वो बोलने की हालत में नहीं है। तो यहाँ पर यही मांग लेके आए थे कि जितने भी जो बिना पुलिस प्रशासन द्वारा बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना सीसीटीवी फुटेज के जिन बेगुना बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उसके जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उसके बाद में जिन लोगों, जिन बच्चों को उठाया गया है, जिन लोगों को मारा जा रहा है, उनकी मारने की, उनको बहुत बुरी तरीके से जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, तो इस तरीके से उन्हें ना मारा जाए, क्योंकि उन्होंने कोई जुल्म तो किया नहीं है जो आपको कुबलाना है। आपने गिरफ्तारी करी, ठीक है करी, आप आपके कानून का जितना भी आपका बनता है आप सारा काम करिए, लेकिन बेगुनाह जो बच्चे हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा कीजिए। और जानते हैं दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि खरगोन के ASP नीरज चौरसिया इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं और नीरज चौरसिया यहां पर यह बोल रहे हैं कि अगर बेकसूर जेल में बंद हैं तो हम उन्हें रिहा कर देंगे। चल रही थी कुछ, हमारी टीम गिरफ्तारी को लेके गई हुई थी, तो उसके विरोध में उसको दबाव बनाने के वजह से कुछ लोग आए हुए हैं, एक तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग हैं वो दंगे में नहीं थे और गलत उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनको बताया गया कि ज्ञापन पर विचार करेंगे, उसको साक्ष्य देखिए, वीडियो प्रूफ देखिए, और यदि नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा और यहाँ वो नहीं छोड़े जाएंगे जो बदमाशी की उनको नहीं मिल। ये बात आपको अजीबोगरीब नहीं लगती है? यानी कि आपने किसी को बंद कर दिया बगैर ये देखे कि उसका गुनाह क्या है,
यही प्रदर्शन तो ये महिलाएं कर रही हैं ना। और ऐसे में मैं एएसपी साहब से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं वो क्या गलत कह रही हैं, जब आपके खुद का पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है कि जो बेकसूर हैं हम उन्हें रिहा कर देंगे। अरे क्या तुम बगैर किसी का गुनाह देखकर उसे जेल में डाल देते हो? क्यों? अब बुर्का पहने ये लड़की भी कह रही है कि सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ एक्शन क्यों, न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। सुनिए उनकी आवाज। हो रहा है ये एक तरफा कानून चल रहा है, हमारे यहाँ पे जो हो रहा है पुलिस प्रशासन की सरासर गुंडा करती है, ये रात के वक्त आती है हमारे घर पे। अगर कानूनी कार्रवाई करने है तो ये दिन में भी हो सकती है, लेकिन ये रात के वक्त कानूनी कार्रवाई करने आती है हमारे घर, और दरवाजा ठोकने के बजाय दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद हमारे घर के भाइयों को उठाकर बेरहमी से पीटा जाता है, जैसे जानवरों को भी अगर कोई नहीं पीटता होगा इस तरह से हमारे घर के भाइयों को पीटा जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस देश ने बार बार इस बात को प्रमाणित किया है कि जब भी आप पर कोई अत्याचार हो तो उसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे सामने एक पूरी सोच, क्या है जिसे कहते हैं ना, टूल किट रखी हुई है, और वो टूल किट है सत्याग्रह का। यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई अत्याचार करे तो उसका जवाब अहिंसात्मक आंदोलन से होगा, और हर बार यह अहिंसात्मक आंदोलन सफल रहा है। आपको क्या लगता है, ये तमाम चेहरों को देखिए, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, मार्टिन लूथर किंग, ये तमाम जो चेहरे हैं वो क्यों महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं? वो महात्मा गांधी को इसलिए अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता यानी कि अहिंसात्मक आंदोलन आज भी जिंदा है। किसान के आंदोलन ने उस बात को प्रमाणित किया है। मगर हां, एक दूसरा तबका है जो लगातार इन्हें धमकाता रहता है, भड़काता रहता है। मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर एक भीड़ आपके धार्मिक स्थल के सामने से गुजर रही है और वो भड़काऊ नारे लगा रही है तो उसका जवाब पत्थर या गोली नहीं हो सकता। नहीं, चाहे आपको कोई जितना भी भड़काए, मगर यह बात पुलिस को भी समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भड़काऊ नारे लगाता है, अश्लील नारे लगाता है और जवाब में कोई कार्रवाई होती है और फिर भड़काऊ नारे लगाने वाले भी गोलीबारी और पत्थर चलाते हैं तो फिर दोनों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक पक्ष ने भड़काया, दूसरा रिएक्ट किया और फिर जो भड़का रहा था उसने भी गोलीबारी और पत्थर चलाए। गुनाह दोनों का है, दोनों को कटघरे में रखा जाना चाहिए। यही मांग खरगोन की वो मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं, और कहीं ना कहीं शाहीन बाग की दादियों ने हमारे सामने जो नजीर, जो मिसाल पेश की है, वो मिसाल कायम हो रही है इस देश में तमाम लोगों के लिए, किसानों के लिए भी, क्योंकि किसान का आंदोलन भी उसी तरह से था। इसलिए एक बार फिर मैं लोकतांत्रिक दायरों में जो भी प्रदर्शन करता है उसके साथ हूं, मगर हां, अगर आप गैर वाजिब तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, हिंसा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपके साथ कभी नहीं हो सकता। इसलिए आज की तारीख में इन महिलाओं का साथ देना चाहिए, और यह पहली बार नहीं है। मैंने आपको तीन मिसालें दी, कौन कौन सी, खरगोन, कर्नाटक और उसके बाद शाहीन बाग। ये ना भूलें, लखनऊ से चंद किलोमीटर दूर सीतापुर में ये आदमी मस्जिद के सामने खड़े होकर मुसलमान महिलाओं के बलात्कार की बात कर रहा था। इसके जवाब में सीतापुर की महिलाएं सड़क पर उतर आई थी और तब जाके ये आदमी गिरफ्तार हुआ था। ये बात अलग है, फिर रिहा हो गया और रिहा होने के बाद ये कहने लगा कि मुझे अपने कहे पर कुछ अफसोस नहीं है। ईश्वर इस आदमी को सद्बुद्धि दे, सम्मति दे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके मुंह से, क्योंकि भगवा पहने हुए हैं, इतना पवित्र वस्त्र पहने हुए हैं, इनके मुंह से फूल झरें जहर और आग नहीं। और हां दोस्तों, जाते जाते आज इन महिलाओं की तस्वीर देखकर, खरगोन की इन महिलाओं की तस्वीर को देखकर, कई मर्द अपने घर में बैठकर इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के शासन को चुनौती दे रही है। मर कल को हो सकता है कि ये पितृ सत्ता को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे, यानी कि मर्दों की बनाई हुई दुनिया, मर्दों के बनाए हुए कानून, खासकर धर्म के अंदर मर्द जिस तरह से अपनी सोच को महिलाओं के ऊपर थोपता है, कल को हो सकता है कि ये महिलाएं उसके खिलाफ मैदान में उतरे, तब
हम इन महिलाओं को रोकेंगे तो उससे हमारे दोहरे मापदंड पता चलेंगे, क्योंकि ये बात सच है कि इस समाज का मर्द अक्सर धार्मिक आडंबर में या एक धार्मिक जामा पहनाकर अपनी सोच को महिला पर लागू करने का प्रयास करता है और महिलाएं उसको अक्सर चुनौती भी दे रही हैं। शबरीमला की एक हमारे सामने मिसाल है, महिलाएं गईं और उसमें उन्होंने जो पितृसत्ता है या जो धार्मिक सोच है उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। ट्रिपल तलाक एक अलग मुद्दा है जिसने एक पुरानी सोच को चुनौती दी, हालांकि वो राजनीति में काफी उलझ कर रह गया, वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं जाते जाते वो ये कि कल को ये महिलाएं मर्दों को चुनौती देने के लिए भी मैदान में उतर सकती हैं, खासकर वो मर्द जो धर्म के नाम पर अपने सोच को इन पर थोपते हैं। तब हम पीछे नहीं हट सकते, तब हम पीछे इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि इनकी सोच हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती दे रही होगी, तब दोस्तों ये दोहरे मापदंड बन जाएंगे। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। दोस्तों इस कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे, और ये फलसफा होना चाहिए उन तमाम लोगों का जिन्हें लगता है कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि महिलाएं भी इसी फलसफे का सामना करेंगी मगर अहिंसात्मक रूप से। नमस्कार।